साहब ने जवाब में कहा कि बिलावल को बैकग्राउंड का कुछ नहीं पता, अफगानिस्तान के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुक थे। और एक बड़ी अजीब सी बात उन्होंने अपनी गुफ्तगू में आगे चलकर कह दी, उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के नाम पे डॉलर्स अच्छे मिल जाते हैं। सर, हाउ डू यू लुक एट दिस? वो क्या आपके ख्याल में कहने की कोशिश कर रहे थे? क्योंकि मुझे तो ये बात कम से कम बहुत हैरान कर रही है अगर उन्होंने इसी तरीके से कही है जैसे मैं। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूँ वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूँ आप खुश और स्वस्थ है दोस्तों। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है। इमरान खान ने एक सिगुफा छोड़ा है और बिलावल भुट्टो को उसको आईना दिखाने के लिए सीधा सीधा बोल दिया है कि अफगानिस्तान के नाम पे हमने हमेशा से दलाली में डॉलर खाए हैं। क्यों अफगानिस्तान? क्योंकि अफगानिस्तान का पाकिस्तान के तालिबान का पाकिस्तान से ईर्ष्या करने का जो सबसे बड़ा मेन कारण था वो यही था कि पाकिस्तानियों ने हमेशा से जितने भी हुक्मरान रहे हैं उन्होंने हमेशा से अफगानिस्तान के लिए आने वाली एड, आने वाली जो भी सहायता दूसरे देश जो करते थे वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के थ्रू होके जाते थे और वो पाकिस्तान के थ्रू होके जाते जाते पाकिस्तान पूरा समेट लेता था और डकार जाता था। तो आज इमरान खान के मुंह से सच ही निकल ही गया, चाहे वो अपना पॉलिटिकल एजेंडा ही हित साधने की ओर निकल रहा हो, लेकिन इसके मुंह से सच्चाई निकल ही गई है। तो कहीं ना कहीं आज तालिबान की जो फेंसिंग लाइन पे आज तालिबान की तरफ से पाकिस्तान की फौजियों और पाकिस्तान के सिक्योरिटी एजेंसियों के जवानों को जो पीटा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो गुस्सा है वो भी जायज है क्योंकि हमेशा से अफगानिस्तान का हक पाकिस्तान हमेशा से खाता आया है। तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों थी ये पीएस का मसला हुआ था, बिश्वार और साल होते, लेकिन फिर उस वक्त नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुआ, इसमें तमाम के तमाम लोग उस वक्त भी इमरान खान साहब बड़े होस्टाइल मूड में थे, लेकिन इमरान खान साहब भी मैं उस मौजूद था उस पार्टी में, मेरे से एक रिश्तेदार के तौर पर उस मीटिंग के दौरान सब इकट्ठे हुए, सब एक आवाज़ हुए और एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया और फिर उसके ऊपर अमल की गई और मामलात काफी हद तक सुलझ गए। लेकिन अब दोबारा अभी जो आवाज नहीं हो रहे, उन्होंने अभी बिलावल भुट्टो पे तनकीद किया, उन्होंने कहा इन्हें किसी किस्म का बैकग्राउंड ही नहीं पता। मैं आ रहा हूं ना, मैं उसी पे आ रहा हूं। खतरा बहुत संगीन है इसमें, मैं बिल्कुल जानता हूँ, मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से है, बलूचिस्तान के मामला जैसे है मैं जानता हूँ, तफसीलात भी जाना नहीं चाहता हूँ, सबको पता है, रोज़ाना रिपोर्ट होती है, चीज़ें मीडिया में आ रही हैं, सबको पता है आपको मुझे। और इलावा इसके TTP किसी सूरत में कंट्रोल में आने के उसके इम्कान कम हैं। उसकी वजह यह है कि जहाँ पर वो बेस्ड है वो गवर्नमेंट, वो कि हम उससे अच्छे ताल्लुकात क्लेम करते हैं अफगानिस्तान से और अच्छे ताल्लुकात की बुनियाद मजीद उसको बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन वो किसी सूरत में उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है, कोई कदम उठाने को तैयार नहीं है। वो सिर्फ एक जस्टिफिकेशन के तौर पे ये बात कहते हैं कि जब कोई एक्शन आपके मुल्क में होता है तो हमारे मुल्क से वो हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होती है, आपके अपने मुल्क में कार्रवाई होती है। वो उन्होंने वहाँ पर दोहा में एक कमिटमेंट की थी जिस वक्त तालिबान वाली कार्रवाई के ऊपर दबा समझा हो रहा था कि हम अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने नहीं देंगे। अब वो इस बात के ऊपर और इस बात का प्रूफ जो ना वो नहीं दे सकते हैं, हमारे पास प्रूफ है कि वहाँ से आते हैं, उसके बावजूद भी कोई मकसद है कि कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है कि वो मुकम्मल तौर पर हमसे तआवुन करेंगे और वो उनके साथी रहे हैं उस एफर्ट में जहाँ पर अमेरिकन के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की, इन हमारे TTP वालों की कंट्रीब्यूशन रही है उनके साथ। अब वो समझते हैं कि अगर वो इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और उनके हमारे लिए तो यही बेहतर है कि वो ख़त्म किए जाएँ, उनकी बुनियाद ख़त्म की जाए, तो वो उस बात के लिए तैयार नहीं है उनको मारने के लिए, कार्रवाई करने के लिए। अब ये यहाँ पर बात आ जाता है आपके फॉरेन रिलेशंस का और फिर यही चीज़ें न सिर्फ आपके मुल्क से रिलेटेड है, दुश्मनी इससे नहीं है, दुश्मनी बुनियादी तौर पर ये CPAC वाली कहानी है जो इसमें बड़ी तेज़ी लाई गई है और तेज़ी लाने की इमरान खान के दौर में वो तेज़ी नहीं थी बल्कि उसको एक तरफ रखा गया था और इसमें जब तेज़ी आ रही है तो इसके मामलात को ज़रा स्लो डाउन करने के लिए, कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए प्रेशर डालने की ज़रूरत है। और प्रेशर एक तो हमारे ईस्टर्न बॉर्डर है, दूसरा वेस्टर्न बॉर्डर है, अल्लाह न करे कि ईस्टर्न बॉर्डर से कोई कार्रवाई इस किस्म की हो, तो लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो कि हमारी मुल्क की बहुत अच्छी तरीके से आपने बैकग्राउंड जो है वो उसकी वजाहत भी की, उसको एक्सप्लेन किया। मैं थोड़ा सा और भी जो फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड मामला है आपकी जानिब आऊंगी, झगड़ा साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। सर, इस वक्त जो सूरत हाल है, आज भी बनू में एक ऑपरेशन की खबर हमने देखी, 4 दहशतगर्द वहाँ पर जो है वो मारे गए,
एक एक अमनो अमान की सिचुएशन तो हम देख रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली क्रिएट हो रही है, इसको सर क्या कहेंगे? एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी हुई, मौलाना फजल रहमान ने उससे खिताब किया, उसमें बात की और उन्होंने कहा जी कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अमनो अमान की सूरत हाल की बात करें, भत्ताखोरी की बात करें, दहशतगर्दी के वाकयात की बात करें, ये सारा कुछ ऑन द राइज दिखाई देता है। एक बहुत बड़ा फेलियर है केपीके गवर्नमेंट का, क्या कहेंगे आप? झगड़ा साहब आपको मेरी आवाज आ रही है सर? मेरा ख्याल है झगड़ा साहब के साथ हमारा इस वक्त रब्ता शायद नहीं, आवाज उनको नहीं आ रही, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आजम चौधरी साहब, ये जो सर मैंने अभी बात की जनरल साहब से दहशतगर्दी और अमनो अमान की सूरत हाल के हवाले से, बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि इम्पोर्ट करके चले गए दहशतगर्दी इमरान खान साहब। इमरान खान साहब ने जवाब में कहा कि बिलावल को बैकग्राउंड का कुछ नहीं पता, अफगानिस्तान के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुक थे। और एक बड़ी अजीब सी बात उन्होंने अपनी गुफ्तगू में आगे चलकर कह दी, उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के नाम पर डॉलर अच्छे मिल जाते हैं। सर हाउ डू यू लुक एट दिस, वो क्या आपके ख्याल में कहने की कोशिश कर रहे थे? क्योंकि मुझे तो ये बात कम से कम बहुत हैरान कर रही है अगर उन्होंने इसी तरीके से कही है जैसे मैं समझ सकी हूं। शुक्रिया यशवी। देखिए, जो अभी जनरल साहब ने जिस तरह उसका बैकग्राउंड डिफाइन किया, बैकग्राउंड वाकई कुछ ऐसी चीजें है कि जिसको हम खुल के बात भी नहीं कर पा रहे। देखिए, अफगानिस्तान के साथ जाहिर तो हमारी बड़ी दोस्ती थी, लेकिन जब टीटीपी का इशू आया तो अफगानिस्तान ने एक जड़ हमारे ऊपर दबाव बढ़ाया कि आप इनको पाकिस्तान लेके जाए। दूसरी तरफ टीटीपी की जानब से ऐसी शरायत हमारे सामने आई, मसलन फाटा की पुरानी पोजीशन बहाली का उनका मुतालबा था, इसी तरह वापस आने का मुतालबा था, जो कि स्टेट के लिए तस्लीम करना नामुमकिन था। उसके बाद वो ऐसा ऐसा पाकिस्तान के अंदर आना शुरू हो गया। सबसे पहले तो हमें वो रीजन जानने की कोशिश करनी चाहिए कि वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल कैसे हुए। जब वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल होते हैं, स्वात के अंदर आके उन्होंने अपनी कार्रवाइयों का आगाज किया, तो स्वात के लोगों ने उस वक्त वो खड़े हुए लोग और वो पार्टी पॉलिटिक्स और नेशनल पॉलिटिक्स से बलातार होकर वहां के लोगों ने आवाज बुलंद की कि इनके खिलाफ कोई तदीली कार्रवाई फौरी तौर पर की जाए। लेकिन हमारी स्टेट की जानब से जो होना चाहिए था वो कार्रवाई नहीं हो सकी। दूसरी बात यह है कि जिस तरह बिलावल साहब या इमरान खान साहब जो कह रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये वाला जो इशू है ये एक स्टेट का इशू है, ये हमारा नेशनल प्रॉब्लम है, ये पार्टी पॉलिटिक्स से बलातर चीजें हैं। और ये भी आपको बता दूं कि ये सूबों से बलातर चीजें हैं। जो टेररिज्म से निपटने के जो इंतजाम किए जाते हैं उसमें सूबों की कोऑर्डिनेशन साथ होती है, लेकिन ये नेशनल एक्शन प्लान के तहत ये चीजें चलती हैं। उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें गवर्नमेंट से बलातर होकर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को कुछ फैसले करने पड़ते हैं जो शायद सियासी तौर पे हुकूमतों के लिए वो काबिल कुल नहीं भी होते, लेकिन जाहिर है मुल्क की सालमियत और कौम के तहफ्फुज़ के लिए वो फैसले जो है मजबूरी बन जाते हैं। आप देखें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हम इस वक्त मुआशी तौर पर बड़े बहरान का शिकार है, लेकिन इस सूरत हाल में टेररिज्म का खड़े होना, मैं समझता हूँ कि ये इसमें बैन अवी जो कूदते हैं वो भरपूर फायदा उठा रही है। सर वो तो उठा रही है, और सिक्योरिटी फोर्सेस तो चौधरी साहब आपको पता है वो अपना काम करते रहते हैं, होता रहता है, लेकिन जहाँ पॉलिटिकल फोर्सेस की बात है, आपने कहा कि बालतर होने की बात है, आपको लगता है कि अब हम कहीं भी उस मोड में रह गए हैं कि जहाँ पर पार्टी पॉलिटिक्स से बालतर होके हम कुछ भी करने की पोजीशन में है? जनरल साहब ने कहा कि जब ये माजी में हुआ तो खान साहब भी ऑन बोर्ड थे एपीएस के बाद, नेशनल एक्शन प्लान बना और सब कुछ हुआ, लेकिन अब तो नहीं ऐसा लगता कि इमरान खान साहब किसी भी नुक्ते पर, वो मईशत पर बात करने को अभी तक तैयार नहीं हुए, तो इस इशू पर भी आज उन्होंने बड़ी आसानी से कह दिया जी कि डॉलर मिल जाते हैं। अच्छा, मैं ना इन चीजों के ऊपर मैं थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हूं, क्योंकि पिछला साल जो 2022 था वो पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल भरा साल था, और मुझे उम्मीद आ रही है कि 2023 जो है वो इस्तेकाम का साल साबित होगा। उसकी वजह ये है कि जो हमने पोलराइजेशन 2022 में देखी, हमने उसकी इंतहा देखी है। कोई भी बंदा दूसरे को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं था, और खान साहब तो बिल्कुल किसी पार्टी के साथ किसी पार्लियामेंट के अंदर ना बैठने को तैयार थे ना बाहर बैठने को तैयार थे। अब मुझे थोड़ी सी बर्फ पिघलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अगर मुल्क की सलामती रहेगी तो इन लोगों की सियासत रहेगी। अब देखे ना कि इस वक्त मुआशी तौर पर भी हम अफोर्ड नहीं करते ऐसी पोलराइजेशन, और जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसमें भी हम अफोर्ड नहीं करते। जहां तक डॉलर्स का मामला है, आप माजी के उठा के देख ले, माजी की हिस्ट्री हमें यही बताती है कि डॉलर्स आए हैं दहशतगर्दी में, लेकिन वो साथ इतनी खराफात लेके आए जिसकी वजह से आज हम मुल्क में जिस स्टेज पे खड़े हैं, ये हमारी माजी की पॉलिसियां हैं जिसका हम खुमियाजा भुगत रहे हैं आज। अब हमें अपनी पॉलिसियां भी जो है वो ठीक करने की जरूरत है, सर नो हमें वजह करने की जरूरत है कि हमने किधर जाना है, कहाँ खड़े होना है,
और मुल्क को हमने कैसे मुस्तहकम करना है, क्या हम इस वक्त अफोर्ड कर सकते हैं कि हम 6 बिलियन के रिजर्व लेके, जबकि हमारी रेमिटेंस में भी कमी आ चुकी हो, हमारी एक्सपोर्ट में भी कमी आ चुकी हो और एनर्जी क्राइसिस का हमें सामना हो, तो हम इस किस्म की पोलराइजेशन में मुल्क को मजीद जो है ना पीछे धकेले। अब खान साहब को भी थोड़ा सा समझना चाहिए, होश के नाखून लेने चाहिए, ये मुल्क की सलामती का इशू है, इसके ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए।